नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जैन मीडिया टीवी से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू एज ग्रुप, जो कि आजकल स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस चीज़ को किस दिशा में ले जा रहे हैं और किस तरफ उनका झुकाव जा रहा है, ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जो न्यू जनरेशन है उनको यह वीडियो एक मार्गदर्शक के रूप में हम उनका मार्गदर्शन कर पाएँ, जो वे एक नए रूट की तरफ जा रहे हैं उनको अपनी संस्कृति से हम जोड़ें और उन्हें इन चीज़ों से बाहर निकालने का एक छोटा सा प्रयास है मेरा। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारा आज का थंबनेल है वह यही है कि आखिर ये जो वर्ड है ट्विन फ्लेम, इसका मतलब क्या है और आखिर ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा कैसे सर्चेबल हो रहा है, आखिर जो न्यू जनरेशन है इसके लिए इतना ज़्यादा क्यों इसको समझना चाह रही है, या फिर इसकी तरफ उनका जो झुकाव है वो क्यों जा रहा है। जो आज का थंबनेल है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो उनका जो पागलपन है वो इस तरफ जा रहा है और इस कॉन्सेप्ट को YouTube में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे भोले भाले जो चेहरे होते हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं, वो कैसे इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आज हम उन सारे मिथक को इस वीडियो के द्वारा तोड़ना चाहेंगे। अभी तक के पूरे YouTube के इस पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में, या मैं कहूँ कि इस पूरे वर्ल्ड में जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, आज मैं उसी कॉन्सेप्ट को आपके सामने बहुत ही सरलता से और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों के सामने व्यक्त करूँगी कि आखिर जो ये लड़कियों और लड़कों का जो पागलपन है वो इस शब्द को कहाँ तक और किस हद तक ले जा रहा है। वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपके ज़रिए आप सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि हर यूथ के पास इसको पहुंचाए, हर एज के पास इसको पहुंचाए कि लोगों को पता चले कि आखिर जो ये बिजनेस इस तरह का फैलाया जा रहा है, इसका जो मूल मंत्र है, जो मूल उद्देश्य है, वो लोगों तक जाए, ना कि हम यहाँ पर बिजनेस करें। ट्विन फ्लेम जर्नी, आप अगर इस पर वीडियोस सर्च करेंगे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, तो आपको ऐसे अजीब कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे जो एक अच्छा और समझदार व्यक्ति अगर उसे देखेगा तो वो कहेगा कि ये क्या पागल बनती है और ये क्या इन लोगों ने डाला हुआ है। हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को अगर न्यू एज की ही बात करें, आप लोगों के सामने क्या परोस रहे हैं और लोगों का नज़रिया, या फिर जो नए एज हैं जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता है, वो आपके वीडियोस को अगर देखेंगे तो उनके पास क्या माध्यम जा रहा है, क्या सोर्स आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके दिमाग में आखिर क्या चीज़ें चली जाएंगी, इन सब चीज़ों को देखकर हमें वीडियो बनाना चाहिए। हम सभी का ये कर्तव्य है, हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी, अगर इसको मैं और अच्छे और सरल शब्दों में कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जैसे एक परिवार में एक मुखिया होता है और वो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ के रखता है और हर किसी को अपनी भाषा में समझाता है और उस तरह से समझा कर अपने परिवार को जोड़ कर रखता है, उसी तरह एक उस घर की जो गृहिणी होती है वो जो थाली में परोस के जो भोजन ले जाती है
उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए अपने घर में रहने वाले हर किसी व्यक्ति का ध्यान रखते हुए वो परोसती है उस थाली को, और उस थाली को परोसने के बाद अगर किसी के नखरे भी होते हैं तो वे उसे समझा कर बुझा कर उस परोसे गए थाली को उस तरह से देते हैं कि वो डाइजेस्ट हो जाए। तो आज जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का अगर मैं बात करूं तो इस तरह से ये रायता फैलाया गया है पूरी इंडस्ट्री में कि अगर भोले भाले जो बच्चे हैं या फिर भोली भाली जो लड़कियां हैं वो इन वीडियोस को देख ले तो उनके दिमाग पर इस तरह के वीडियोस देखने के बाद क्या असर पड़ेगा, ये कहना आप इस थंबनेल से ही जान सकते हैं। आज मैं सभी उन सभी भारतीय नारियों को और आने वाले हर जनरेशन को, मैं सिर्फ नारियों की ही बात नहीं करूंगी, मैं पुरुषों की भी बात करूंगी कि हम सभी लोगों को अवेयर रहना चाहिए, हम सभी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए कि हमारे अंदर जो डेटा फीड किया जा रहा है वो कितना वैलिड है, उसको हमें रखना है या नहीं रखना है या फिर हमें उसे डिलीट कर देना है। हम अपने मोबाइल में भी अगर हमारे मोबाइल में हम गलती से कोई चीज़ देख लेते हैं और देखने के बाद अगर हमें लगता है कि वो अनयूजुअल है तो हम उसे डिलीट कर देते हैं, उसी तरह जब हम कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमने अगर देख भी ली है उस कॉन्सेप्ट को उसका उद्देश्य समझिए। उस कंटेंट को अगर आपने देख भी लिया है तो उसका उद्देश्य पहले समझिए कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है, और अगर वह गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो कृपया उसे ऑल्ट शिफ्ट के साथ डिलीट कीजिए, जैसा कि हम कंप्यूटर में करते हैं, मोबाइल में करते हैं। हमें उस अनयूजुअल कंटेंट को अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, हमें उसे उसी समय डिलीट मार देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी देखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूं तो इतना अजीब सा कॉन्सेप्ट मैंने जो अभी तक यहां पर जाना है देखकर ही मैं सोचती हूं कि कुछ लोग किस तरह से यह जाल बुनकर लोगों में फैला रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो ऑथेंटिक जहाँ पर वीडियोस होते हैं हमेशा उन वीडियोस को ही हमें चुनना चाहिए, उन वीडियोस से ही हमें उसके बारे में जानना चाहिए। आज मैं आप लोगों को जो मीनिंग होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, या ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है, या फिर एंजल नंबर 1122 इससे क्यों रिलेट किया जाता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी, लेकिन लॉजिकल होकर इसे सुनिए, ना कि सिर्फ इसलिए इसको देखना पसंद कीजिए कि आपने YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हुए हैं और उनके कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर चढ़ा लिया है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ट्विन फ्लेम की, आखिर यह जो वर्ड है वो आया कहाँ से और कैसे ये जनरेट हुआ। हम आपको इसका जो ओरिजिन है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, आप सभी जानते होंगे कि शिव और शक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। हम सभी जानते हैं कि शिव और शक्ति इतना मीनिंगफुल है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि जहाँ पे शिव वहाँ पे शक्ति होंगी, जहाँ पे पुरुष वहाँ पे प्रकृति होगी, जहाँ पे राम वहाँ पे सीता होंगी, जहाँ पर राम वहाँ पे हनुमान होंगे, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आ ही जाएगा, ऐसे ही जहाँ पर कृष्ण वहाँ पे राधा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम शिव शक्ति का नाम दे सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को न्यू एजिंग के दौर में अगर हम देखें तो इसका नाम इन लोगों ने रख दिया है ट्विन फ्लेम जर्नी। इस ट्विन फ्लेम जर्नी को इन लोगों ने इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और इतना अजीब सा पेश किया है कि इसके बारे में अगर आप YouTube पे खंगालेंगे तो बहुत ही अजीब सी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो शिव शक्ति से ही लिया गया है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं और उसमें शिव और एक शक्ति होता है जिसे हम इडा और पिंगला के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसको सन और मून के साइन से भी देखा जाता है। उन्हीं 2 नाड़ियों को अगर बैलेंस कर लिया जाए तो एक तीसरी जो नाड़ी होती है वो एक्टिव हो जाती है जिसे सुषुम्ना कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो 2 नाड़ियाँ हैं, ये 3 नाड़ियाँ बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होती है, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस में अवेकनिंग में अगर देखा जाए तो ये 2 नाड़ियाँ ही अगर एक्टिव हो जाती हैं तो तीसरी एक्टिव होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपकी अवेकनिंग हो गई है, यानी कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं। और इडा और पिंगला अगर एक्टिवेट हो गए तो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाता है। इसी चीज़ को अगर हम देखें, यानी कि 1-1, यानी कि इडा 1 हो गई आपकी पिंगला, इडा और पिंगला यानी 1-1 इन दोनों को ऐड हो जाने के बाद उनका वननेस हो गया, यानी कि सुषुम्ना हो गई। तो इसको क्या कहा गया इसमें कि 1 और 1 का ऐड होने के बाद वननेस हो गया, यूनिटी हो गई हो इसकी। तो इसी कॉन्सेप्ट को सभी लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट माना है। ये हमारे इंटरनल जो बॉडी होती है उसकी बात चल रही है, और इंटरनल बॉडी में अगर आपका जो ये इडा और पिंगला नाड़ी है वो बैलेंस हो जाना, यानी कि 1 और 1 इडा को प्लस कर दिया तो वो यूनिटी हो गई, उसकी वननेस हो गई, वो सुषुम्ना के फॉर्म में आ गई। इसी को कहा गया शिव और शक्ति का एकीकरण। और इसी को अगर हम न्यू एज की बात करें, न्यू जनरेशन की बात करें, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ले लिया है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में इन लोगों ने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल टोटल इसको उलट पुलट करके रख दिया। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक मेल और फीमेल का जो अट्रैक्शन होता है उससे ऐड अप कर लिया, और उसका ऐड अप करने के बाद इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि उनका वननेस होना और उनका उनके जो रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाना। तो उस तरफ हम नहीं जाएंगे। हम अगर हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ ये नहीं है कि मेल और फीमेल इसका वननेस होना, इसमें कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं। जैसे कि हम अगर हम देखें शिव शक्ति के रूप में, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी देखा जाता है कि वे ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। और ऐसे ही अगर हम स्वामी विवेकानंद जी को और रामकृष्ण परमहंस जी को भी देखें तो वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा माने जाते हैं। यानी कि एक ऐसा सोल, ऐसे सोल जिसकी मिरर हुई है, यानी कि आप अपना प्रतिरूप उसमें देखते हैं, आपके जो विचार हैं वो आप जो दूसरे के विचार हैं और जो आपके विचार हैं वो दोनों एक जैसे हों, और आप एक दूसरे के प्रतिरूप हों, मतलब एक दूसरे के विचारों को समझना, उसको समझकर उसको क्रियान्वित करना, इस चीज़ को हम ट्विन फ्लेम जर्नी से ऐड करते हैं और जानते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को अगर बिजनेस कॉन्सेप्ट के रूप में देखें तो यूट्यूब पर इस पे भरमार मिल जाएगी, बकायदा इसके कोचिंग सेंटर्स भी चल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा धांधली वाली चीज़ें चल रही हैं, और मतलब बिल्कुल से लोगों को भटकाने वाली चीज़ें यहाँ पर पड़ोसी जा रही हैं। हमें सिर्फ कोई भी कॉन्सेप्ट, नई कॉन्सेप्ट जो भी आ रही है, सब की सब वैदिक संस्कृति से ही ली गई है। अगर आप कोई भी वीडियोस देखते हैं तो सबसे पहले
उस वीडियो का उद्देश्य जानने की कोशिश कीजिए। उसका अगर ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वीडियो आपके काम की है या नहीं है। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि जब भी आप वीडियोस किसी का भी देखते हैं तो उस वीडियोस के कंटेंट को बहुत ही ध्यान से देखें। उस कंटेंट को देखने के बाद जस्टिफाई करें कि वो वैलिड है या नहीं है। अगर 1122 की बात करें, एंजल नंबर, जैसा कि इस न्यू एजिंग ग्रुप में इसे बोला जाता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सिंबल है, और जिन लोगों को भी ये दिखाई देने लगता है वे ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। अब मेरे हिसाब से बस एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं कि एक ही चीज़ को अगर आप बार बार आपके दिमाग में एक ही टाइप के कंटेंट देखे, एक ही टाइप के वीडियोस देखे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें भर जाती हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके साथ वो चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर आपने 1122 एक बार किसी के वीडियोस में देख लिया, ठीक है, जब आपने उस वीडियोस को देख लिया, वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ गया, आपने उस कॉन्सेप्ट को अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके दिमाग में क्या होगा? आप चाहेंगे कि यार बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी मेरी, मेरा एक मिरर सोल मिल जाएगा मुझे। तो वो सारी जब दिमाग में चलने लगती है ना, तो आपका जो दिमाग है वहीं अटक जाता है। आपको घर जब आप वॉच देखेंगे, आप 9 बजे अगर आपने वॉच देखी है, तो आपका ऑटोमेटिक एक बार टाइम फिक्स हो जाएगा 10 बजे, फिर 11 बजे आपको याद रहेगा, अरे 11:22 हो गए हैं, वो ट्विन फ्लेम वाला जो नंबर है वो मुझे अब दिखने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक होने लगेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जर्नी में हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से अवेकनिंग होने अगर लगे, तो आप सोचो कि पूरी दुनिया के लोग अवेकन हो जाते और सभी लोग स्पिरिचुअल हो जाते। तो इन सारी चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। हम सभी चीज़ों को एक तरफा नहीं देखना चाहिए। उन चीज़ों को लीजिए जो आपके साथ चल रही है। मान लीजिए आप, मैं ये नहीं कहती कि एंजल्स नंबर नहीं होते हैं, या फिर ये शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है। और अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, और ये नंबर्स दिखने के बाद आप सर्च आउट कर रहे हैं, तो फिर मे बी ये वैलिड हो सकता है। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, इन सभी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। आखिर आपको वो क्यों दिख रहा है? आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं पहले से, ना कि उन चीज़ों को दिखने के बाद स्टार्ट हुई है। आपके साथ वो सारी चीज़ें अगर पहले से हो चुकी है, देन आई एग्री कि हाँ आप उस जर्नी में हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में नहीं हैं और उसके बाद आप उस वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक ये चीज़ें होंगी, क्योंकि आपके दिमाग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो सारी चीज़ें होने लगती हैं, हम उसी तरह से ही करने लगते हैं। तो हम सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ के रखनी चाहिए कि कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हम इतने 21st century में आ गए हैं, और हम अगर अपने वैदिक पुस्तकों को पढ़ ले, जो वैदिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं को जान ले, तो इतने सारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर हो जाएंगे। फिर लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें किसी कोच के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्लियर कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। बाय द वे, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसका जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने निकाला है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लास्ट में तो ये यही कहते हैं
कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है? यानी कि आपको आपका गोल पता है, तो क्या वहाँ तक जाने से बेटर नहीं है कि आप अपना गोल स्वयं खोजें? हर किसी का जो गोल होता है, जो उद्देश्य होता है, वो आपके अंदर ही होता है, वो आपके सोल में होती है। वो आपको खुद से अकेले में बैठकर सोचना होगा कि आप इस पृथ्वी पर या फिर इस वर्ल्ड में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों आए हुए हैं, या फिर आपको ऐसा क्या करना है कि यहाँ पर हम यहाँ पे इस जर्नी में आए हुए हैं। तो जब जिस दिन वो गोल आपको पता चल जाएगा तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बिजनेस है और बिजनेस को कई लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से डरा कर, इस तरह से अजीब से कॉन्सेप्ट को लाकर करते हैं, जो कहा जाता है ना कि यूनिक कंटेंट लेके आइए तो आपका जो वीडियो है वो अप हो जाएगा, वो रैंकिंग बढ़ जाएगी। तो यूनिक बनाने के चक्कर में वो ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, ऐसे कंटेंट उठा के ले आते हैं जो कई लोगों की लाइफ को भी बर्बाद करके रख देते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से दूर रहें। जब भी कोई चीज़ आप अगर देख रहे हैं तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको पहले परख कर, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बिल्कुल बेकार है तो उसे अपने लाइफ से बिल्कुल ही रिमूव कर दे। बार बार एक ही चीज़ों को मत देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। तो आई थिंक मैंने इस पूरे वीडियोज़ में आप लोगों को क्लियर कर दिया कि आखिर जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है और इसका 1122 से क्या रिलेशन है। सिंपल सी बात है, 1 और 1 यानी कि दो नाड़ियाँ हैं, और इडा और पिंगला जिसको शिव और शक्ति भी कहते हैं या फिर सूर्य और चंद्रमा भी कहते हैं, उन दोनों को अगर 1-1 को अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो 1 हो गया, 1-ness होगी, हो गई उसको इन लोगों ने कह दिया रीयूनियन या फिर यूनिटी। और इसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया गया वो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम से इन्होंने निकाला हुआ है। तो जो हमारा वैदिक संस्कृति है उसी को और भी एक्सप्लोर करके इन्होंने निकाला है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल ही वर्ड्स तरीके से दिखाया है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमें इन सभी चीज़ों का विरोध भी करना चाहिए कि ऐसे कंटेंट आखिर डाल कैसे सकते हैं और ऐसे कंटेंट डालने का मेन मोटो क्या है। मैं सभी से अपील करूंगी कि इस तरह के वीडियोस अगर आप लोगों को दिखते हैं तो आप लोगों को इसमें जो कंटेंट होते हैं उसकी अपील करनी चाहिए कि इस तरह की वीडियोस आखिर क्यों डाले जा रहे हैं, और लोगों को इससे अवेयर करवाना चाहिए कि इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखें और अपनी लाइफ को हम खुद संवार सकते हैं, ना कि कोई दूसरा आकर आपको इसका कोच बताए कि आपकी लाइफ को ऐसे चलाना है और ऐसे चलाना है। जो भी लाइफ है वो आपकी है, आपको मिली है, आपको आपके जो आपके ईष्ट हैं या फिर जो आप जिस भगवान की पूजा करते हैं आप उनसे कनेक्ट होइए। वो कनेक्शन भी क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि हमारे अंदर जो है दो सोल होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। तो उन्हीं के बीच अगर हम कनेक्शन बना लेते हैं तो वही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ आप लोगों को, आप सब खुद ही समझदार हैं। धन्यवाद।